नमस्कार दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एस जे ट्रेडर्स में। दोस्तों, अगर आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उससे अपना न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आइए दोस्तों, देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। दोस्तों, बैंक निफ्टी का ओपनिंग हुआ 38,176 और उसने हाई मारा 38,222, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद वो सीधा नीचे आ गिरा और मैंने आपको लेवल दिया थे 38,150 और 37,900 के बीच में ओपन होता है, और अगर उसके बाद 37,900 ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 37,800, सेकंड टारगेट आ सकता था उसका 37,700, और थर्ड टारगेट मैंने आपको दिया था 37,629। अगर आप चेक करोगे तो आज का लो उसने मारा है फ्रेंड 37,300, यानी मैंने जो आपको तीन टारगेट दिए थे वो तीनों अचीव कर लिए। और मैंने आपको साथ में ये भी बोला था कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है, उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके वो ऊपर बाउंस भी मार सकता है, तो उसने आज बिल्कुल ऐसा ही किया। यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे एग्जैक्ट आके कितने बजे आया वो, 11 बजे आके सीधा उन्होंने बाउंस मार दिया। कितना पॉइंट का बाउंस मारा उसने, 350 से लेके सीधा 129। चलिए देखते हैं कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये सभी लेवल्स को मैं आज निकाल लेता हूँ, हम नए लेवल डाल लेते हैं। ओके, अभी 50 मिनट का चार्ट हम लगा लेते हैं और अभी हम देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। अभी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ओरिजिनल लाइन। आज का क्लोजिंग हुआ है 38,028 पे, 38,028 पे उसका क्लोजिंग हुआ है, और मेरे एनालिसिस के हिसाब से समझ लो 38,150 को ब्रेक करेगा ये लेवल। ओके, यहाँ से लेके ओपनिंग होना चाहिए उसका यहाँ पे 37,832। अगर इस जोन में ओपनिंग होता है और अगर कल 38,150 पकड़ लेते हैं, 150 ब्रेक करता है, तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 38,600, और दूसरा टारगेट आएगा उसका 38,850 के आसपास ऊपर की तरफ में। और अगर नीचे की तरफ में आता है ये डेथ ओपन होके 37,800 ब्रेक करने के बाद, तो उसका पहला टारगेट आएगा 37,600 और दूसरा टारगेट आएगा उसका 37,400। ओके फ्रेंड्स, अभी और कुछ इसमें वन डेंडल में यहाँ से ट्रेंड लाइन जा रही थी जिसको हमने रिमूव किया है, इसको हम फिर से डाल लेते हैं फ्रेंड्स। ये वाला यहाँ पे सपोर्ट लिया है आज उसने। दोस्तों, उसने वन डे के कैंडल में हैमर कैंडल बनाई है, और हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है फ्रेंड्स, तो कल पॉसिबिलिटी है कि ये गैप अप भी ऊपर हो सकता है और ऊपर भी जा सकता है। ओके, चलिए अब देखते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है। दोस्तों, निफ्टी की ओपनिंग हुई है 70,280 पे उसकी ओपनिंग हुई है, और मैंने आपको लेवल दिया था 70,120 और 70,250 के बीच में अगर ओपन होती ये लेवल के पास, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना यहाँ पे, तो उसने हमारे लेवल से गैप अप ही ओपन किया है, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद सीधा तुरंत नीचे आ गया। और मैंने आपको बोला था कि अगर 70,120 ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 70,050, और आप एक चेक कर सकते हो कि यहाँ पे उसने पहला टारगेट अचीव कर लिया फ्रेंड्स, दूसरा टारगेट तक नीचे आया ही नहीं, और यहाँ से एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन पे जा रही है। मैंने उसके बारे में बोला था कि हो सकता है इस ट्रेंड लाइन से आके वो बाउंस बैक कर सकता है, तो उसने आज ऐसा ही किया, यहाँ से आके सीधा वो बाउंस बैक कर लिया फ्रेंड्स। और ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, कौन सी वाली, ये ट्रेंड लाइन, उसी ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस लिया है उसने, रजिस्टेंस लिया है 1, 2, 3 बार रजिस्टेंस लिया है फ्रेंड्स उसने। अगर कल ये रजिस्ट्रेशन ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट सीधा आएगा 70,000 देख लेते हैं क्लोज कितने पे हुआ है आज वो,
क्लोज हुआ है 70,266 पे क्लोज हुआ है, तो कल 70,350 ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आएगा 70,400 और दूसरा टारगेट आ सकता है 70,500 ऊपर की तरफ है। और अगर डाउन के साइड में फ्रेंड्स 70,050 ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आएगा उसका 70,170। एक काम करता है, इस पूरे को मैं निकाल ही देता हूँ आज, पहले से हम ड्रॉ करते हैं बराबर ना, तभी तो मज़ा आएगा। कुछ रेक्टेंगल बना लेता हूँ मैं उसको कल के लिए। ये हमारा रहेगा फ्लैट जोन, फ्लैट जोन रहेगा हमारा यहाँ से यहाँ तक गिनते हैं। चलो अगर इसी जोन में ओपन होती है निफ्टी और उसके बाद ये लेवल ब्रेक करती है, समझ लो मैक्सिमम लेते हैं हम 70,300, उसको ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आएगा 70,400, दूसरा टारगेट आएगा उसका 70,500 ऊपर की तरफ में। और अगर नीचे की तरफ में अगर ये लेवल ब्रेक होता है, कौन सा लेवल आएगा हमारे लिए 70,200 या 200 ब्रेक हो गए, 190 के नीचे जाएगा और वहाँ पे सस्टेन होगा तो उसका पहला टारगेट डाउन के साइड में आएगा उसका 70,150 और दूसरा टारगेट आएगा उसका 70,050। ये आएगा हमारा 70,150 के आसपास आ सकता है, 150 नहीं 150, 140 समझ लो, और नीचे की साइड में रहेगा 70,000। दोस्तों मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से ही बनाता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अभी इसमें देख लेते हैं 1 डे के कैंडल में क्या हो सकता है। 1 डे के कैंडल में भी अगर टुमारो यही लेवल दिख रहा है मुझे, मैंने जो दिया वही। ओके तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।